जो क्रांति फैलाते हैं उनको कठोर जवाब अपने मुंह से मैं दूंगा, मैं जरूर आऊंगा। इसलिए आज मैं श्री हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, प्रथम रंजन ठाकुर और पूर्व मां की इस पावन भूमि में आप सबको प्रणाम करने के लिए आया। मित्रों, मैंने इन सभी महानायकों का जो नाम दिया, पूर्व मां का नाम दिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन समग्र बंगाल में और उसका संदेश समग्र देश में पहुंचा। वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज को समानता, शिक्षा और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का, और मैं आज मन से ये महान आत्माओं को प्रणाम करता हूं कि उन्हीं के कारण आज विस्थापित होकर शरणार्थी के रूप में आया हुआ ये समाज समान के साथ भारत में अपना स्थान बनाकर जी रहा है। यही भूमि है जिसने विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जिन्होंने पाथे पांचाली की स्तुति देश और दुनिया को, यही भूमि है मित्रों जिस भूमि पर श्री हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर का मंदिर बना हुआ। आज मैं यहाँ आया हूं तब 31 जनवरी 1979 को भूल नहीं सकता। मुरी झापी हत्याकांड जो कम्युनिस्ट सरकार ने अपने प्रथम बार चुनने के बाद किया था और वहां से बंगाल में जो हिंसा का दौर चालू हुआ, मैं आपको आश्वस्त करना आया हूं कि वो दौर ममता दीदी नहीं रोक पाई, मगर भारतीय जनता पार्टी वो हिंसा का दौर रोककर विकास का नया युग बंगाल में शुरू करने जा रही है। मित्रों, मुझे बड़ा दुख है कि रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, बोरो मां, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ और लोगों के समान को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, वही भूमि आज हिंसा से रंजित हो रही। मैं आप सबको आश्वासन करने आया हूं कि आप निश्चिंत रहिए, आपके सम्मान की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मीडिया वाले और तृणमूल कांग्रेस वाले सभी सीएए के बारे में सुनना चाहते हैं, मुझे मालूम है, मैं बताता हूं सीएए के बारे में डंके की चोट पर बताना, परंतु सबसे पहले मैं इस भूमि पर श्री हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि ठाकुर नगर एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन की गवाह रही, और ये दोनों महापुरुषों ने समृद्ध बांग्ला की परंपरा को गति देने के लिए सबसे नीचे के समाज को उठाने का आह्वान किया, और उन्होंने 12 निर्देश 12 द्वादश आज्ञा देकर इस समाज के अंदर मॉरल टीचिंग का, आदर्श रूप से जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त किया, जिसको आज भी करोड़ों लोग इसी रास्ते पर चल रहे हैं। श्री गुरुचंद ठाकुर ने मतवा आंदोलन को सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से व्याप्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया, और मित्रों, उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा के बिना शोषित वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा, अत्याचार होता रहेगा, तो उन्होंने शिक्षा पर बल देने का काम किया और इसी के कारण आज ये समाज आगे आया है। मित्रों, उन्हीं के कारण महिला शिक्षा के लिए भी शांति सत्यभामा बालिका विद्यालय, ताल तला गदाधर बालिका विद्यालय और नारी प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें हजारों बच्चियां पढ़कर आगे बढ़ी। मित्रों,
ठाकुर ने बताया वही रास्ते पर नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ी। दलित, पीछे आदिवासी, पिछड़ा समाज के लोग, उनके कल्याण को मोदी सरकार समर्पित। इतने सालों से शासन में रहने वाले लोग गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंचा पाए। नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का अभियान शुरू किया, हर गरीब को घर देने का अभियान शुरू किया, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का अभियान शुरू किया, हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का अभियान शुरू किया, हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का अभियान किया और हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा भारत सरकार उठाए, ऐसी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। भैया आप लोग ताली मत बजाओ, क्योंकि बंगाल के गरीबों को ये योजना नहीं मिलेगी। ममता दीदी को लगता है कि बंगाल के गरीब को ये 5 लाख रुपया मिला तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हो जाए। ममता दीदी कब तक रोक कर रखोगी? आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, चुनाव समाप्त होते ही आपकी विदाई निश्चित। मैं बंगाल के गरीबों को कहने आया कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन पहली कैबिनेट के अंदर ही आयुष्मान भारत योजना बंगाल के गरीबों को हम दे देंगे 5 लाख तक की पूरी योजना। बंगाल के किसानों के लिए मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं, वो भी बंगाल के किसानों तक पहुंचा नहीं जाता, और कह रहे हैं कि हम अभी लिस्ट बना रहे हैं। कितने साल हो गए लिस्ट बनाते बनाते ममता जी, अब तकलीफ न दीजिए, हम ही बना रहे। मगर बंगाल के किसानों का चुनाव आते तक 12,000 रुपया जाएगा, क्योंकि 12,000 रुपया तो सबके यहां पहुंच चुका है। अभी अभी मोदी जी बंगाल आए थे, उन्होंने घोषणा की है कि जो गया वो 12,000 और नया 6,000, 18,000 रुपया हर बंगाल के किसानों कर दिया। आज बंगाल को बर्बाद करने पर, बर्बाद होने के कगार पर पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी कितनी भी सहायता भेजे, यहां पर मोदी जी को साथ न देने वाली सरकार हो तो सहायता आप तक पहुंच सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, पहुंच सकती है क्या? नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ममता दीदी बीच में सारी सहायता को बंगाल की खाड़ी में डाल। यहां पर एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर बंगाल के गरीब लोगों के कल्याण के रास्ते पर आगे। ऊपर मोदी जी की सरकार तो है ही, एक बहुत बड़ा इंजन मोदी जी की सरकार के रूप में है, एक और इंजन इसके साथ जोड़ दीजिए, बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये डबल इंजन की सरकार 5 साल में बंगाल को सोनार बंगला बनाएगी। मित्रों, बंगाल को सोनार बंगला बनाएगी। बड़े पतन को अगर बंगाल को रोकना है तो मित्रों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर सके। मित्रों, अनुसूचित जाति के लिए, दलितों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत किया। जाति का प्रमाण पत्र आज भी मतुआर नाम सूत्र समाज को नहीं मिलता, 70 साल से इसकी व्यवस्था नहीं। यहां पर बच्चों का मृत्यु दर भी ज्यादा, माता का मृत्यु दर भी ज्यादा, महिलाओं पर अत्याचार भी ज्यादा, हिंसा की घटनाएं भी सारे देश में सबसे ज्यादा बंगाल। विकास कैसे हो सकता है? मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करिए। हम
यहाँ मतवा समाज के लोग हैं और भी कई लोग हैं रामसूत्र समाज के, हर जाति से बांग्लादेश के से शरणार्थी के रूप में यहाँ पर लोग आए। 70-70 साल हो गए उनको ना नागरिकता मिलती है ना सम्मान मिलता है। जब विभाजन हुआ कांग्रेस के नेताओं ने वादा किया कि जो भी हिंदू शरणार्थी आएंगे हम सबको नागरिकता भी देंगे, उनको सम्मान भी देंगे और उनको गले से गले लगाना तो कहा नागरिकता नहीं। 2018 में हमने वादा किया था कि होली कमल के फूलों से भर दी, मोदी सरकार बनी और हमने दलित पर भी देर नहीं की। 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व, बीच में कोरोना आ गया, ममता दीदी ने शुरू कर दिया ये झूठा वादा है कुछ होगा नहीं देंगे देंगे नहीं, और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सीए का कानून पारित किया है, मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूँ जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। देश की संसद का कानून आप कैसे रोकोगे? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं आओगे क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है। ममता जी मुझे बताओ भाइयों बहनों रहने वाली है क्या? जोर से बोलो रहने वाली है क्या? मतवा समाज रहने देगा क्या? नाम सूत्र समाज रहने देगा क्या? शरणार्थी भाई बहन रहने देंगे क्या? मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें किए को कोर्ट घुसने नहीं देगी और शरणार्थियों को सम्मान और नागरिकता देकर गले से लगाने का काम करेगी ये भारतीय जनता पार्टी। और ये सारे विरोधी कांग्रेस कम्युनिस्ट तृणमूल कांग्रेस बहकाते माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को बहकाते कि आपकी नागरिकता चली जाए। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूँ सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, उसमें नागरिकता देने का प्रावधान है मेरे मतवा समाज के भाइयों बहनों माताओं को नागरिकता देने का काम, उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं देश के गृह मंत्री सादे पवित्र मंच से कहना चाहता हूँ सीए के अंदर एक भी मुस्लिम भाई बहन की नागरिकता चली जाए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो वो करना चाहते हैं जो 70 साल से यहाँ आए आज भी अपमानित होकर जी रहे, क्या दोष है उनका? उनका दोष क्या है? ये देश पर उनका जितना ही अधिकार है जितना यहाँ के रहने वाले लोगों का है, शरणार्थी भाइयों का अधिकार इतना ही है जितना मेरा अधिकार है, आप सबका अधिकार इतना ही है जितना मेरा। ये जो झूठ को फैलाते हैं उनकी बातों में आप मत आइए। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक स्कॉलरशिप कई गुना बढ़ा दी, लगभग 59,000 करोड़ रुपया दलितों की स्कॉलरशिप के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने दे दिया। दलित कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार समर्पित है। मैं आज यहाँ पर आया तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, हम मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना शुरू करेंगे जो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार इन तीनों का ध्यान रखेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे मतवा समाज के भाई बहनों को, हम मतवा समाज के दलपति यहाँ बैठे हैं, दलपतियों के लिए भी
इलेक्ट्रिकल सर्किट में जा देकर पूरी इको सिस्टम बंगाल सरकार के खर्चे से खड़ा करकर यहाँ पर बहुत बड़ा टूरिस्ट और मित्रों ठाकुर नगर तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना के माध्यम से भारत सरकार करने जा रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों ये ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन, इसका नाम हम श्री धाम ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन रखना चाहते हैं, मगर उसके लिए हमें बंगाल सरकार परमिशन नहीं भेजती है। दीदी मत भेजिए तो वही महीना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पहले ही सप्ताह में ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का नाम श्री धाम ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन करने के लिए यहां से प्रस्ताव भारत सरकार मित्रों ने तय किया है कि मथुरा समाज के छात्रों को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रवृत्ति के लिए भी बनने वाली बंगाल सरकार बहुत बड़ी घोषणा करेगी। मित्रों आप मुझे बताइए, एक घुसपैठ का जो एक छल चला, घुसपैठ की एक बाढ़ बंगाल में घुस रही है, आप मुझे बताइए आप तो भुक्त भोगी हो, आपको निकाल दिया गया वहां से, एक घुसपैठ ये ममता सरकार रोक सकती है क्या? जोर से बोलिए, ममता सरकार घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? मित्रों ऐसी सरकार लाइए जो घुसपैठियां तो दूर परिंदा भी सौ ना पाए, ऐसी सुव्यवस्था करे मित्रों। और ये सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंगाल को हिंसा से मुक्त कराना है, बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाना है, बंगाल के अंदर उद्योग लाने हैं, इंडस्ट्री लानी है, बंगाल के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है, मगर ममता दीदी कुछ नहीं कर सकती। मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 21-22 के बजट में बंगाल के लिए तिजोरी के खजाने खोल दिए। 50,000 करोड़ टैक्स डिवोल्यूशन से आएगा, 5600 करोड़ लोकल बॉडी ग्रांट आएगी, राज्य आपदा फंड 1,000 करोड़ आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 70,000 करोड़ आएगी, कुल 74,000 करोड़ रुपया बंगाल की जनता को देने का काम आप भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने। बस वो 74 किलोमीटर का गोमो धनकुनी खंड पर इसका काम तुरंत ही शुरू होने वाला है और भविष्य में ये संपूर्ण बंगाल समर्पित ग्रेट कॉरिडोर भी हम शुरू करने वाले हैं। खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, भुसावल से खड़गपुर से धनकुनी तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्वी मेदिनीपुर में पेटुआ घाट फिशिंग हार्बर, असम और बंगाल के चाय बागान के लोगों के लिए 1,000 करोड़ की उनके स्वास्थ्य शिक्षा और उनके निवास की योजना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। जल जीवन मिशन के तहत जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आज यहाँ पर श्री हरिचंद ठाकुर श्री गुरुचंद ठाकुर के आशीर्वाद लेने के लिए आया, पूर्व माँ का आशीर्वाद लेने आया हूँ और साथ में मथुरा समाज के मेरे भाई और बहनों के भी आशीर्वाद लेने आया। मित्रों आप बताओ अगली सरकार आप कमल की बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? ममता सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे? मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाएंगे? बंगाल के अंदर से हिंसा का दौर समाप्त करेंगे? बंगाल को सोना और बांग्ला बनाएंगे? बंगाल को कविवर गुरुवर ठाकुर और विवेकानंद की कल्पना का बंगाल, बंगाल को हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर की कल्पना का बंगाल बनाना है। आपके सहयोग के अलावे ये संभव नहीं है। मित्रों आज आपने सीए
के लिए मुझे सम्मान पत्र यहाँ पर मतवा समाज की ओर से दिया है। मैं आपको वादा कर चाहता हूँ जल्द ही आप सभी लोग सम्मान के साथ भारत के नागरिक बनकर सबके साथ अपना विकास करेंगे। यही बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की।